वेलकम बैक टू इंडियन मॉम स्टूडियो। तो गाइस ये है प्रगति मैदान ट्रेड फेयर पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया है तो उसका लिंक मैं छोड़ूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर वहां से चेक कर सकते हैं। यहां पर सारी इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं जिसे मैंने कवर किया है, जैसे कि ये अफगानिस्तान, टर्की, वियतनाम और भी बहुत सारी जगह की यहाँ पर इंटरनेशनल स्टॉल्स लगी हुई थी। बहुत ही प्यारी यूनिक सी अफगानी ज्वेलरी के पीसेस देख सकते हैं जो कि काफी खूबसूरत थे। जो ये खूबसूरत सी पेंटिंग्स देख रहे हैं, इनमें एग शेल्स को पेंट कर इन पेंटिंग में यूज किया गया है। बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स थी जिनकी कॉस्ट 3000 के करीब थी। गाइस ये था मेन अट्रैक्शन जो कि प्रगति मैदान ट्रेड फेयर में इंटरनेशनल हॉल में देखने को मिला। ये था इस्तांबुल टर्की का एक स्टॉल जो कि बहुत ही खूबसूरत था, जिसमें बहुत ही प्यारी माँ की खुद की डिजाइन करी हुई लाइटिंग्स और लालटेंस और घर के बहुत ही प्यारे प्यारे डेकोरेटिव आइटम्स। ये थोड़ा एक्सपेंसिव था लेकिन इनके ऊपर जो काम हो रहा था, जो इनकी क्वालिटी थी, वो आसानी से आपको इंडिया में देखने को नहीं मिलने वाली। बहुत ही खूबसूरत स्टॉल है ये। और ये है इस्तांबुल का जादुई चिराग जिसमें से निकलने वाला है जिन।
कितने का? दो 400 रुपए। सही लगाओ, सही। टेस्ट किया बेटा कैसा? टेस्ट भी कर सकते हैं। हाँ, जीप पे लगा लो इसको, थोड़ी देर में आएगा टेस्ट, एकदम नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। 100% मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को आज का ट्रेड फेयर। और वैसे दो दिन और चलने वाला है, मंडे और ट्यूसडे, तो ये 27th को एंड हो जाएगा। तो अगर आप तक ट्रेड फेयर देखने नहीं आए तो जल्दी से आ जाइए, देर किस बात की, क्योंकि इतना कुछ है देखने के लिए और इतनी वैरायटीज़ है कि आपका मन खुश हो जाएगा। तो एक बार तो आना बनता है। तो बाय बाय एंड इसी उम्मीद के साथ विदा चाहती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड लव यू।